संस्था इतिहास की सालाना एकत्रता विच जुड़ बैठे समूह वीर ते भैणां नूं वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। संस्था इतिहास की इस सालाना एकत्रता दे विच एक अहम फैसला लिया गया है कि हर साल संस्था इतिहास वालों किसी उगी शख्सीयत या किसी किरति नूं सन्मानित किया जाएगा और इस सन्मानित करन दा आधार कोई समाज धर्म या जाति के आधार पर नहीं होएगा सगों किसी मनुखी पैमाने के उपर उसकी चोण होगी। सो इस लड़ी के लड़ीबद्ध असी शुरू दे विच इस बार सरदार मनप्रीत सिंह जी होर सन्मानित कर जा रहे हैं। सो उन्हां बारे विस्तार रूप में जानकारी आप जी प्रोफेसर गगनदीप जी होरी देंगे। सो मैं सद्दा दिंदा हाँ प्रोफेसर गगनदीप जी होर कि वह आके आप जी उन्होंने विचार साझे कर। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। All of the Sangat who is regularly associated with us through the continuous work of Institute Itihas, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today we have organized an annual meeting of Institute Itihas and we took one decision that we annually research and select unique personality and honor them who makes a difference through their positive attitude towards life and live it with a great passion. So the honor name, it is Atmavishwas, and it is sponsored by BB Harinder Kaur, UK, Leeds. So today in this annual meeting, after a long research, we found a boy named Manpreet Singh with a great courage. So this boy faced many problems since childhood, and in his childhood, his body's physical activity was ceased. So gradually his upper and lower body extremities gets damaged. So besides all the serious physical anomalies, Manpreet Singh never demoralized and he is always in his high spirits. So he neglected all his anomalies and after that he adopted a profession of video editing. And he is doing all the work only with his mouth and he's operating keyboard with his mouth only. So this profession, it becomes a way of earning livelihood to his and his family. So he is a source of inspiration for all the other disabled persons and also for the persons having no problems. So it's far, far better than all the lazy people, the beggars and the robbers. Who always want to live their life with the money that they steal or they borrow from others or beg from others. So we all should always in the high spirits like this boy Manpreet Singh. So now I'm called upon the stage to Dr. Sukhpreet Singh Ji Udoke. Now they will tell us in detail about this guy. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. संस्था इतिहास की सालाना मीटिंग दे विच हिस्सा लैण वास्ते आए समूह वीर भैणा जिहड़े इस संस्था के मैंबर भी ने और जां फिर संस्था के सहयोगी ने उन्हां सारिआं नूं इक तां असीं इस मीटिंग दे विच शिरकत करन दे वास्ते जी आखदे हां। दूसरा इस सारे प्रकरण नूं आरंभ करन तों पहलां गुरु पातशाह दी बख्शी मुकद्दस फतेह आओ सारे गज के बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेशक के संस्था का इतिहास का जिहड़ा खोज कारज है जां असीं कह सकते हैं कि संस्था इतिहास का कारज खेत्र जिहड़ा है इह केवल लेखन कला तक सीमित असीं आरंभ दे विच निर्धारित कीता सी इतिहास नूं लिखणा जां फिर वख-वख किताबां दे विच तुलनात्मक अध्ययन प्रणाली नूं किसी ना किसी रूप दे विच इतिहास दी कोखण दे विच लैके आउणा जां फिर कुछ उह संस्थावां जिहड़ियां सिख जां गैर सिख संस्थावां ने जिहड़ियां किसी ना किसी रूप दे विच सिख इतिहासिक तत्थां दी तोड़ मरोड़ कर रही ने। एक तां उन्हां नूं रोकणा, दूसरा तोड़ मरोड़ होए इतिहास नूं दुबारा रीराइट करना, इह संस्था दे कुछ इतिहासिक खेत्र नाल संबंधित कार्य सी। पर उस दे नाल ही इस मीटिंग दे विच फायदा असी इस दे नाल ही एक मीटिंग दे विच असी इह फैसला लिया सी कि असी कुछ उह कह सकदे हां कि मार्गदर्शन करन वाले वीर वी लोकां दे जां आम संगतां दे सामणे लै के आईए जिन्हां ने अपने जीवन दे विच कोई ना कोई वक्रा मुकाम हासिल कीता है। इस दे वास्ते अज जदों असी पंजाब दी नौजवानी दी गल करदे हां, मानसिक
और शरीरक तौर पर नशिया के या फिर अनैतिक कार्यों के हो रही शरीरक और जिसमानी अणदेखी अणगहली और बिल्कुल असी कह सकते हैं कि उन्हां दी मानसिकता दा कारण इन सारिया समस्यावां दे मद्देनज़र साडा एक निश्चा सीगा कि असी उन्हां वीरां नूं रूबरू करिए जिन्हां ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी खेत्र दे विच ऐसा कर विखाया है कि वह आम लोगों के वास्ते संतां दे वास्ते समाज के वास्ते एक इहो जिहा चानण मनारा बन गए ने कि उन्हां दी जिंदगी नूं उन्हां दी जीवन जाच नूं उन्हां दी घालणा तों उन्हां दे दृढ़ इरादे तों उन्हां दे निश्चे तों और काम प्रति निष्ठा तों काफ़ी कुछ सिख्या जा सकता है। सो उहदे वास्ते असीं इस वारी चोण करनी शुरू की कि कहड़े ऐसे नौजवान नूं संगत दे रूबरू किया जाए कि उहदे तों साडी आउण वाली नौजवान पीढ़ी जिहड़ी सी उह सेध लै सके। सो दो तीन मीटिंगां होईआं, कुछ वीरां दे नाम विचारे गए और सारे नावां दी विचार तों बाद साडी सर्वसम्मति दे नाल जिहड़ा ज़िहन दे विच इक नाम आया उह सी लसाड़ा पिंड दे रहिण वाले सरदार मनप्रीत सिंह दा। मनप्रीत सिंह जिन्हां नूं असीं सोचिआ कि असीं आत्म विश्वास सन्मान दे नाल सन्मानित करांगे। मनप्रीत सिंह साडे संस्था इतिहास दे कंपलैक्स दे विच आए और उन्होंने संस्था दे सारे वीरां दे नाल विचारां सांझियां कीतियां। उस तों बाद उन्होंने अपना किस तरह कारज करते हैं क्योंकि बड़ी छोटी उम्र के उन्होंने एक बीमारी दे करके एक यहोजी शरीरक अधोगति का शिकार होना पाया कि उन्होंने शरीरक विकास बिल्कुल रुक गया। उन्होंने उपरलिया और हेठलिया जिहड़ियां शरीर दियां लिम्स ने अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज वो बिल्कुल उन्होंने विकास के एक बिल्कुल रुकावट आ गई। बेशक उन्हां दी मानसिकता का विकास तो आम मनुख के पद्धर का ही होया पर उन्हां दे शरीर का विकास ना हो सकया। सो उन्हां दा जिहड़ा जिसम सी वह 5 साल के बच्चे की उम्र तो थोड़ा ही वध सकया पर हैरानगी की गल यह है कि यह बच्चा बड़ी छोटी उम्र के स्कूल जाने तो हट गया 3री क्लास के क्योंकि शरीर के समर्था ही ना रही कि वह बच्चा स्कूल जा सके क्योंकि शरीर बिल्कुल चलन फिरन के असमर्थ हो गया। उस तो बाद उम्र वधेरी हुई तो उसके माता के अनुसार जो कुछ उन्होंने माता जी ने सानू दसिया कि इहदे मन के अंदर एक तरह का एहसासे कमतरी जिसनों इनफीरियरिटी कंपलैक्स कहने वो आना शुरू हो गया जी एक डिप्रैशन की स्टेज होंगी है उस एहसास के नाल इन्हें उदास रहना शुरू कर दिता। फिर उस तो बाद किसी कह सकते हैं कि सज्जन पुरश ने कहा कि जेकर तू बाणी दे लड़ लग जावे तो तेरे विच आत्म विश्वास दृढ़ता मनोबल पैदा हो सकता है। सो इस बच्चे ने हौली हौली पाठ सीखना शुरू किया, पाठ करना शुरू किया, लत पैर हाथ कोई भी शरीर का अंग काम नहीं सी करता उसके बावजूद भी ये मूँह दे विच कलम फड़ के और गुटका साहब दे पन्ने अग्गे करके पाठ करता सी। हौली हौली उसने पाठ कंठ किया। उस तो बाद समा बदलता गया, नवी तकनीक आउंदी गई, कंप्यूटर आ गया, उसने उस दे उपर पाठ करना शुरू कर दिता और गुरबाणी गुरमत विचारधारा और सिख फलसफे दे विच इन्ना गहरा अपना निश्चा बनाया कि यह नौजवान वीर अज बेशक शरीरक पक्ष तो विकास ना कर सकया मानसिक पक्ष तो इसने इन्ना विकास किया कि यह अपनी व्हीलचेयर के उपर बैठा होया लैपटॉप दे नाल या फिर अपने डैस्कटॉप दे नाल अपने कीबोर्ड नूं बिल्कुल अपने सामने रख के मूँह दे विच एक लकड़ दी नलकी जां कह सकदे हो कि छोटी जी लकड़ दी छड़ी जां सोटी फड़ के सारा उसनूं ओपरेट करदा है और ओपरेट केवल चैटिंग करन दे वास्ते जां सोशल साइट्स वेखण दे वास्ते नहीं करदा बल्कि वीडियो एडिटिंग दा काम करदा है। इस वीर ने विआह शादियां दी वीडियो एडिटिंग शुरू कीती, धार्मिक समागमां दी वीडियो एडिटिंग शुरू कीती और इस तों अलावा वख-वख जिहड़े कीर्तन समागम ते गतके अखाड़े हुंदे ने उहनां दी वीडियो एडिटिंग भी कीती इसने। सो इस वीर दा नामकरण जदों साडे इस समुची मीटिंग दे दौरान सामने आया तो साढ़े वास्ते खुशी वाली गल सी कि असी पंजाब दे नौजवानों नूं इस वीर दे रूबरू करिए जां फिर देशां विदेशां दे विच बैठियां होईयां संगतां नूं असी सिख चैनल दे जरिए इस नौजवान दे रूबरू करिए जिस दे हथ पैर नहीं चलते, जिस दा शरीर विकास करन तों असमर्थ है, शरीरक विकास रुक चुका है पर उहदा इरादा इन्ना दृढ़ है, उहदा मानसिक विश्वास इन्ना दृढ़ है, अपने निशाने दे प्रति निष्ठा इन्नी है कि वह मूँह के नाल लक्कड़ की छड़ी फड़ के एडिटिंग का काम करता है। सो मेरे ख्याल दे नाल वह लोग जिन्हां दे जिसमानी शरीर के वो लोग जिसमानी तौर पर जिन्हां नूं कोई मुश्किल नहीं,
शरीरक तौर पर कोई समस्या नहीं, फिर भी नशियां दे विच, चोरियां डाकियां दे विच, चेन स्नैचिंग दे विच अपनी जिंदगी नूं बर्बाद कर रहे हैं। तो वेखण दा फर्ज बनता है कि असी इस नौजवान वीर वल वेखीए जिहड़ा शरीरक विकास के पक्ष तो बिल्कुल हीणा है, पर उहदी मानसिक अडोलता आम मनुख दे नालों किन्ने दर्जा उचेरी है कि उसने अपने अंदर हीण भावता नहीं आउण दित्ती, बल्कि गुरमत विचारधारा दे उस निश्चय दे दौरान कि मन ना डरे तन काहे को डराए। बेशक तन दा विकास रुकिआ है, पर उस दे मन दे विच इन्नी अडोलता है कि इस वीर ने उस मन दे विकास दे नाल नाल ही अपने अंदर हीणता, एहसासे कमतरी, इनफीरियरिटी कंपलैक्स नहीं आउण दित्ता। सो असी इस वीर नूं संस्था इतिहास दे विच समूह संगतां दे सामने रूबरू कीता। दूसरे पासे साडा ये निश्चय सी कि असी उन्हां लोकां नूं सन्मानित करदे हैं जिन्हां लोकां दे कोल राजनीतिक प्रभुसत्तावां ने, उन्हां लोकां नूं बहुत बहुत वड्डे अवार्ड दे दित्ते जांदे ने, सन्मान दे दित्ते जांदे ने, जिन्हां लोकां दे कोल मायक साधन बहुत वड्डे ने और वह अपने माया दे बलबूते दे उपर ही अपने आप नूं अवार्ड लैण दे जां सन्मान लैण दे हकदार बना लैंदे ने। पर साडा नजरिया थोड़ा वक्खरा सी। असी जिहड़ा अपना अवार्ड शुरू किया संस्था इतिहास के वलों उसका नाम ही रख्या कि आत्म विश्वास सन्मान। सो इस आत्म विश्वास सन्मान के वास्ते असी इस वीर मनप्रीत सिंह की चोण की सी और संस्था इतिहास के लीड्स के जिहड़े यूनिट के साडे सरप्रस्त ने बीबी हरिंदर कौर लीड्स, इस सारे इनाम उन्होंने स्पोंसर किया। साडा नजरिया निष्ठा निशाना इवें सी कि असी इस वीर नू इस सन्मान के नाल जिसनों असी आत्म विश्वास सन्मान का नाम दिता है वो सदका संगतां के रूबरू करिए और ये तो कुछ मेरे ख्याल के सानू सारयां नू प्रेरणा लैनी चाहिए है कि इतों तक कि मैनू भी कि सानू परमात्मा ने चलते हुए हाथ पैर दिते ने, पर कई बार सारा सारा दिन वेले बैठ के गुजारा देता है। पर यह वो वीर है जिहड़ा व्हीलचेयर के उपर पिया भी कार्ज करता रहिंदा है, सारी सारी रात बैठ के एडिटिंग करता है, अपने मन दे विच किसी भी तरह का इनफीरियरिटी कंपलैक्स जां हीण भावना नूं नहीं आउण दिंदा। सो यह साडा इस वरी संस्था इतिहास के वलों इस सालाना मीटिंग जां कह सकते हो कि सारे डेलीगेट के इजलास के लिया गया फैसला सी जिसनों तुसी सर्वसम्मति रूप के प्रवानगी दित्ती सी, ते वो जिहड़ा असी आत्म विश्वास अवार्ड है वह मनप्रीत सिंह नूं दे रहे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संस्था इतिहास वलों सिख चैनल के समूह दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज संस्था इतिहास वल्लों आप जी दे रूबरू जिहड़े एक यूथ वास्ते चानण मुनारा पेश कर रहे साडे छोटे वीर मेरी मुराद मनप्रीत सिंह जी वीर जी उन्हां नाल है। अज विशेष प्रोग्राम दे विच असी संगतां नूं उन्हां दे रूबरू कर रहे हां। सो आओ उन्हां नाल एक विशेष प्रोग्राम दे विच असी मुलाकात राही संगतां दे रूबरू कराउने हाँ वीर जी मनप्रीत सिंह जी वीर जी उन्हां नूं। मनप्रीत सिंह वीर जी आप जी दा संस्था इतिहास दे दफ्तर विच आए असी बहुत धन्नवादी हाँ अते नाल ही जी आया आखते हाँ। आप जी दे शुक्रगुजार हाँ कि आपने इतना सफ़र करके संस्था इतिहास नूं आण के अपना ढुकवां समा दिता। सो असी बेनती करते हाँ कि अपने वालों कुछ विचार जिहड़े आप जी संस्था इतिहास के स्टूडियो के माध्यम राही सिख चैनल के दर्शकों नाल सांझ पाउणे जी। सो असी बेनती करते हाँ कि कुछ अपने बारे कुछ जानकारी जिहड़ी उह सांझ पाओ साडे दर्शकों नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम तुसीं जाण ही गए मनप्रीत सिंह है। तो मैं बचपन तो ठीक से जिदा नॉर्मल बच्चे होंगे केस रखे से, केसा ना प्यार भी करते, मैं कंघा भी सिर च रखता सगा। पर जो मैं साढ़े पाँच साल का सी तो उदों कोई कुदरत वालों ही मेरे शरीर में सज्जे पासे कमजोरी जी आनी शुरू हो गई। मेरा सज्जा हथ मैं सुत्ता उठाया तो उठ के मैं मम्मी होना दस्या भी इतना करके भी तो सीधा हो गए चल नहीं होंदा। तो फिर थोड़े चिर बाद मैं होमवर्क कर लगा तो मेरे हाथ से पेंसिल भी ना फड़ हो गए तो पेंसिल छुट गई जाए हाथों। फिर उस दिन तो ही इलाज कराना शुरू कर दिता मत सी एम सी लैके गए मैं लुधियाने, उतों इलाज चल पिया पर फर्क नहीं सी पैंदा कमजोरी बस जिदा
शुरू हुई सी बीमारी उन्होंने फर्क पैन की बजाय वही जाती सी तो कुछ समझ में नहीं लगती भी की होया जा की नहीं होया। फिर मालशा वगैरह ज होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इदा का इलाज कराई गए तो जिदा कमजोरी बढ़ती गई जिदा सज्जा हत्था चलन तो हट गया सी फिर मैं खब्बे हाथ ना लिखन लग पाया तो स्कूल हौली हौली चली जाना बच्चों ने मैनू फट के घर छड जाना। पहला मेरी सिस्टर पढ़ती सी अगली क्लास चो गई दूचे स्कूल चल गई फिर उतों मेरे दोस्तों ने ले आना मैं ले जाना तो हौली हौली कमजोरी इन्नी बढ़ गई तो मंचे पर ही आ गया मैं जाने की बीमारी का किसी को कुछ नहीं पता लग गया। कुछ जड़िया दवाइया दतिया वो बहुत ज़्यादा तेज होंगे सी उन्होंने भी आराम तक ही आना मगर वो तो वह नुकसान होया शरीर में तो इदा गल सी। फिर जो मंजे पर आ गया तो बिल्कुल हाथ एक हाथ थोड़ा थोड़ा चलता सी खब्बा उन्हें बैठे ने थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह कर लैनी टाइम पास हो जाता सी। तो फिर इन्नी ज़्यादा कमजोरी आ गई शरीर इन्ना कमजोर हो गया कि मैं मंजे पर पिया रहना मैं जो गर्मी की रुत आई मैं बहुत ज़्यादा जाने की मेरे तोड़ लगनी भी मैं कहना मेरे उपर पानी पाओ मेरे जाने का सारा दिन सिर गिला रहना बालों दी जटा बन गई कई बेले कीड़ियाँ पै जानी चढ़ जानी बालों गिले करके कुछ हो जाना। एक दिन जाने की तंग आके कटाते थे बाल तो एक बार फिर दोबारा रखे थे फिर भी जाने का शरीर ने इन्ना कमजोरी नहीं रख सकया तो दिता नहीं साथ तो जाने का बाकी मन वालों पूरा गुरु का भरोसा सगा गुरु से तो वो नहीं टुटन दिता अपना जब मेरे मम्मी ने भी नहीं मेरे करके उन्होंने अमृत छकया जिदा कहें अमृत छके इन गुरबाणी का पाठ सुनाओ किस चीज़ स्नान करो इतना करो इतना करो वो कहें भी होर कि सदा मैं ही जाने का अमृत छक के भी यदा जो भी करना मैं करना मैं ही करती सारा कुछ मम्मी हूँ ही करते मेरा जो भी उन्होंने करना। तो इदा फिर उधरले पासे ने भी चली गई जाने के दवाइया वालों फिर एक टाइम इदा आ गया जाने के सह भी जाने के रुकन लग पाया मेरा बुखार मैं बहुत ज़्यादा चढ़ता सी तो सह भी रुकन लग पाया तो गर्दन च मेरे पेन बहुत होंगी सी पर डॉक्टरों ने मैं दसना भी उन्होंने ट्यूब दे देनी कहना मल दो। तो फिर असी एक फ्लोर डॉक्टर उन्होंने को गए वो कहते बुखार जाने के बुखार दे मार आ तो फिर उन्होंने जो मेरे हाथ पड़ के देखे कहते भी मम्मी ने कहते भी होया की है मम्मी कहते तुम वो छोड़ो भी तुम ना भी बुखार नहीं उतर तो बुखार बारे सोचो वो कहते नहीं मैं फिर पूछने लग पे मैं भी दसा मम्मी ने भी वो कहते मेरे कहने एक बार गर्दन का चैकअप करा लो एक्सरे करा लो एम आर आई फिर असं उन्होंने कहने पर जोर पाने करवाया तो वो पता लग गया भी गर्दन ट्यूमर या रसौली है तो वो इन्ना ज़्यादा फैल चुकया जाने कह लो आखिरी स्टेज तक पहुंच पुज गया सी जिहड़ी तुहानूं सारी शरीरिक फिजिकल प्रॉब्लम आई उस ट्यूमर करके सी। हाँ जी वो करके सी ते उदों साडी बदकिस्मती कह लो जां इन्ने तकनीकां नहीं आईआं सी जिन्नी हुण टैक्नोलॉजी वध गई आ MRI वगैरह जां इदां दे है नहीं सी ते लुधियाणे वड्डे वड्डे हस्पतालां च वी दिखा लिया सी पीछे पहला वी जाके आए सी जो मेरे जाने कि भाग कह लो मैनूं कुदरत ने जो कोई हैगा सी मेरे भागां च वो मिलना सी जो तो उदो फिर पता लग गया भी ट्यूमर आ फिर जाने की PGI ऑपरेशन कराया उन्होंने पहला तो कहें जो असी हाथ पाना सानू उम्मीद नहीं ये बचूगा इन्हें बचना नहीं है तो मम्मी ने कहा भी कर दो उदा भी हूँ सह तो रुकता है भी सानू इदा ना होगा भी असं इलाज नहीं करा सके तो उस तो बाद सतगुरु की कृपा हुई तो जाने जिनी जिंदगी हैगी भुगतनी है तो सह चल पे द्वारा ऑपरेशन किया ICU बहुत दिंदे आ पहला तो ब्रेन भी नहीं सी चलता हौली हौली फर्क पैन लग गया पर उन्होंने एक गल क्लीयर करती सी कहिंदे तुसीं जिथे मर्जी लै जाओ जे तुसीं कहो असीं अमेरिका लै जाइए उत्थे भी जाके भी तुहानूं जिहड़ियां नसां हुण दब चुकियां वो नहीं चलणगियां किन्ना हैगा कि हथ पैर नहीं चल सकते बच गई तां बच गई आ। तो वीर जी इह तुहाडे जो आप जी ने बीतिया शायद थोड़ी इस गल तो सू समझ आई गल कि जो तक सू समझ लगी कि कारण है उदो तक काफ़ी देर हो चुकी सी सो असी जी अज फिजिकल प्रॉब्लम ना जूझ रहे हैं ये उसका सिट्टा है। सो वीर जी तुसी दुनियावी पढ़ाई जिते असी एजुकेशन की गल करते हैं वो कितों तक तो कितों प्राप्त की वो पेंड ही साढ़े स्कूल से प्राइवेट स्कूल उत्थे शुरू तो जाता सी जो शुरुआत हुई बीमारी तो फर्स्ट सी
हौली हौली तीसरी तक पढ़ लिया, तो तीसरी दियाँ हजे गर्मिया के दिन से उदो शरीर से बहुत ज़्यादा छाले निकले, कोई दवाई की साइड इफेक्ट हो गया, कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई सी, मुड़ के मैं जा नहीं हुआ स्कूल, बस तीसरी तक। अच्छा, तीसरी तक गुड़ी। इससे मैं अपने दर्शकों को यह जानकारी देना चाहवागा कि वीर जी भावें तीसरी क्लास तक ही पढ़े ने, पर फिर भी इन्हों का अज जिहड़ा किता है या जो इन्हों का पैशन है या ये जिस किते काम कर रहे हैं वह कंप्यूटर न संबंधित है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर न संबंधित है, अते वीर जी खुद अपने किते दे वेच एडिटिंग दे माहर ने, अते उस दे वेच अपने प्रोफेशनल लाइन नूं भी पूरा कर रहे ने ते अपने शौक नूं भी अगे वधा रहे ने। सो यही चीज़ जिहड़ी है साडे दर्शकां नूं इक चानन मुनारा सामने पेश कीती है मनप्रीत वीर जी ने कि भावें दुनियावी पढ़ाई घट पढ़ी है, जिथे अज दे साडे नौजवान पीढ़ी 10th या प्लस टू करन तों बाद भी कंप्यूटर लागे जाण तों डरदे ने जां झिझकचाउंदे ने, मनप्रीत वीर जी ने सिद्ध कर दिती गल कि तुहाडा आत्म विश्वास इन्ना बलवान होना चाहिए है, वह तुहानू फिजिकल प्रॉब्लम्स या मानसिक प्रॉब्लम्स जिहड़ी है उन्हां नूं भी नेवियां करके अपनियां पैड़ां जिहड़ियां खुद तैयार करदे ने। सो मनप्रीत वीर जी, इत्थे मैं आप जी तो अगला सवाल पूछना चाहुंदा कि जिथे अज नौ पर नौ शरीर वाले मेरे जिहड़े भैन भरा ने जिन्हां दे शरीरिक अंग पूरे ने, उन्हां दे विच वी किते ना किते असीं देखदे हां अज दी रोज़मर्रा जिंदगी दे विच टेंशन या डिप्रेशन घर कर लैंदी है, पर फिर भी तुसीं तुहाडी अपने आत्म विश्वास की गल करिए, तुहाडी सोच की गल करिए, ते इक चढ़दी कला वाली तरंग है, तुसीं की मैसेज देना चाहोगे जिहड़े भैन भरा दे अंग साबत ने पूरे संपूर्ण रूप च बिल्कुल ठीक है फिटनेस दे विच, पर फिर भी वह टेंदी कला दे विच या डिप्रेशन विच जांदे ने, ते तुसीं उहनां नूं की मैसेज करना चाहोगे? वह तो सब तो पहला सानू भरोसा नहीं रहा, हुण अपने गुरुआं तों असीं बेमुख हो चुके हैं, तो मैं भी शायद हो सकता इसी पासे जाता, तो मैं कीर्तन कथा जा पाठ वगैरह तो पहला नहीं करता सी, उस तो बाद मैं शुरू किया पाठ करना, सब तो पहला मैं इदा गुटका उपर खा लेना, तो पेन मुँह पा के पेज पलटी जाने, पाठ करी जाना, हौली हौली मन दे विच शौक जिहा जाग गया, कंप्यूटर लै लिया, चलो सतगुरु ने मैनू राह दिखा दी, पर हुण दी पीढ़ी तो बिल्कुल ही इन्हां चीज़ों तो बेमुख हो चुकी है, तो इसलिए हिंदी कला वाल जा रहे हैं। तो हुण पिछे जे मैं खबर पढ़ी सी, थोड़े जे नंबर घट आ गए एक लड़की नूं, उहने इन्ने च ही खुदकुशी कर ली, तो मैनू बड़ा दुख लगा भी हुण मेरे अंग पैर जे मैं कोई भी कहां कितें भी असीं जाए, सानूं कहता भी अमेरिका तक चल जाओ, नहीं चलने, तुसीं एक साल तुहाडा चलो हो गया सी, तुसीं एक साल ही सीगा, एक साल फिर पढ़ सकदे सी, ते उह तां इह गल होई, ते हुण जिहड़ा साडा पंजाब दे विच हुण रोज़ न्यूज़पेपर च आउंदा आ नौजवान नशा करदे आ, ये भी बड़ा सोच के मन नूं दुख जिहा लगता है भी कोई जबरदस्ती भी नहीं तुहानूं मूँह च पाउंदा, हुण इत्थों तक आ गया है, कई इदां दी चीज़ां असीं सोचा भी नहीं भी इच्चों भी नशा मिलता है, वह भी उन्होंने पता नहीं कितों मिलता लग जाता, तो इस तरह वह कुदरत वालों वाहेगुरु वालों दिते अपने जिहड़ा कहिंदे जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा रूप, है ना, गुरबाणी की पंक्ति है भी तैनूं सुंदर रूप दिता है, तो चलो इन्ना उन्हों का सत्कार नहीं करते, तो पता नहीं कितों कितों उन्होंने पता लगता कि चीज़ कि नशा है वह करके होर अपने शरीर में बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना है साढ़े वर्ग वाल देख के भी तुम इदा सोचो, गुरु लड़ लगो ज कुछ करो, अपना घट्टो घट अपने शरीर में यदी कुदरत का धन्यवाद करो भी कि सोहना शरीर दिता सू, तो यही मैं तो कहना चाहता उन्होंने कि नशे वगैरह छड़ के काम कार कुछ करना। बहुत ही वडमुली कि गल जी वीर जी ने साडे स्रोतियां नाल सांझ पाई कि टेंशन या डिप्रेशन दे मार हेठ अधीन आके अपने आप कान ना करिए, वीर जी उन्होंने जी गल सांझी की कि जिहड़ी गुड़िया फेल होने के कारण अपना आत्मघात करती है या कोई भी बच्चा जिहड़ा आत्मघात करता है उसनू वीर जी उन्हां वल वेख के या इहो जिहे होर भैण भरावां वेख के एक सोच उजागर करनी चाहीदी है कि उन्हां दा एक साल तां दोबारा आ सकदा है, पर वीर जी उन्हां दा इह कहना है कि असी सारी उम्र जिहड़ी कढ़नी है वह किस तरह कढ़ सकदे हां, सो इस चीज़ नूं जिहड़ा चढ़दी कला विच लिआउण वास्ते वीर जी उन्हां ने कीर्तन दा कथा दा गुरबाणी दे पाठ दा या गुरबाणी दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु दा ओट आसरा लिया, सो शायद ता ही वीर जी होना दी इन्नी चढ़दी कला है। वीर जी मैं आप जी नूं पुछना चाहांगा कि तुसी कंप्यूटर नूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एडिटिंग नूं अपने किते वजो चुनिया, इस दी प्रेरणा या इस पासे तुसी किस तरह आए? ये मैं पहला तो मैनूं पता नहीं सी कंप्यूटर किदा चलदा किदा नहीं,
मैं एक बार एक गल पता लगी साढ़े गुआंढ चो वो कहें भी साढ़े एक रिश्तेदार है वह बीसीआर कैसटा तो ना डीवीडी बनाते हैं कहें हूँ बीसीआर आ गया भी हम डीवीडिया का जमाना आ गया कि लोग यह काम करवा लग पे। मैं क्या चलो साढ़े घर बीसीआर है का, मैं भी कंप्यूटर लै लिना तो घरद ने हिसाब मना करता कहें भी तेरे तो चलना नहीं तू जिदा मेरे को बच्चे वगैरह आ जाते कहते उन्होंने भन देना आके। तो मैं मामा जी ने दसिया मेरे मामा जी यूएसए जोगिंदर सिंह यूएसए आ तो वो बहुत मेरा करते तो उन्होंने कहा चल तू इनू मना नहीं करना उन्होंने पैसे भेजते सी ले लिया। तो उस तो बाद मैं ये काम शुरू किया पहला तो एक मेरा फ्रेंड सगा वो चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दिंदा सी हौली हौली मैं आप ही चला लग पाया उन्होंने पेन लैके कीबोर्ड के बटन दबने शुरू कर दते हौली हौली मैं फंक्शन देखे तो एक फंक्शन मैं बहुत वधिया मिलिया जिहड़ा कीबोर्ड तो ही माउस ओपरेट हुंदा है विंडो च तो माउस सैटिंग जाके तो मैं करके फिर जिहड़ा काम माउस तो आप कर सकते मैं उस तो कर लग पाया। तो हौली हौली वो बच्चा चलो पढ़ाई वास्ते अपना चला गया बाहर चला गया तो मैं छड्डिया नहीं काम तो मैं फिर वो बीसीआर का काम तो चलो कर दई हाँ। तो हौली हौली जो भी वैडिंग का हुंदा आ बिच नाम भरने ग्राफिक जे बनाने जो भी हाईलाइट बनाना गीत बनाना मुंडे कुड़ी का तो डबिंग करनी सारे गाने भरने माइया जागो जो भी हुंदा वो सारा तैयार करके यानी कि पूरा ए शुरू तो लैके एंड तक तो डीवीडी तैयार कर दूंगा। वीर जी इस चीज़ की तुसी कितो सिखलाई भी ली या अपने तौर पर नहीं मैं सिखलाई नहीं ली कईयां नूं कहा भी पर कोई आंदा नहीं घर सिखाण तो वाहिगुरू की मेहर सदका कोई दिमाग ही जानी इस तरह का उन्होंने बना दिता कि खुद खुद ज्ञान प्राप्त हो गया तो सॉफ्टवेयर तो भी आप एक गल कह सकते हैं जी वीर जी प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान सतबुद्ध उस परमात्मा की एक शक्ति ने ही अंदर ऊर्जा जी प्रगट। हाँ जी बाकी यूट्यूब तो ट्यूटोरियल देख के मैं काफ़ी सीखिया तो होर भी मैं पढ़ता हूँ सी गुरबाणी कहते जिस नीच को कोई ना जाने नाम जब चाहे कुंट माने पर मैं इन्ना समझता नहीं मेरी इन्नी कात हैगी है पर मैं जो पंक्ति पढ़नी तो मेरे मन में बड़ी हैरानी होनी भी ये कि हो जूगा पर अज हूँ मैं खुद थोड़े दिन पहला भी इंटरव्यू लैके गए वह जी लगी नहीं शायद लग जाए तो उन्होंने पूछा मैं रिक्वेस्ट भेजी मैं क्या शायद कोई बच्चा है फिर कई तो उन्होंने मेरा नंबर मंगया हौली हौली उन्होंने पहुँच की मेरे तक तो हूँ फिर वीर जी उन्होंने सुखप्रीत वीर जी ने बड़ा आदर बख्शिया तो इन्होंने भी काफ़ी मैं हौसला दिता बहुत चिर तो ये मेरे फेसबुक राही फ्रेंड बने पहला तो चलो असं उन्होंने लैक्चर वगैरह सुनते सके तो उन्होंने बड़ा उत्साह मिलता सी फिर हूँ खुद इन्होंने गलबात होती रही है। अच्छा वीर जी जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करते जे पर ओदे वास्ते तुसी केड़ी टेक्निक वरतदे जे किस तरह तुसी ओ सारे कीबोर्ड नूं हैंडल करदे जे किस तरह कंट्रोल करदे जे किस तरह उन्हां दे बटनां दे काम करदे जे तुसी। हां जी ओ तां थोड़ा जिहा रिकॉर्डिंग वेख बाकी आही इक लकड़ी आ मेरी जेब च वी है। अच्छा जी आ वाली जी इहनूं मूंह च पा के मैं बटन प्रेस करदा रहिंदा आ। ठीक है जी कीबोर्ड दे सारे कीबोर्ड नूं इत्थे रख लैणा उपर। अच्छा जी अपने कोई प्लाई दा टुकड़ा जां कोई सिनरी रख के उपर कीबोर्ड रख लैणा ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹ ਜੀ 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਗਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪਰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ 84 ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ
गत्के वगैरह दे नगर कीर्तन दे कोई भी वैडिंग का हाईलाइट इतना दे। हाँ जी ठीक। अच्छा वीर जी, संस्था इतिहास या डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी हुणां नाल तुहाडा मेल जोल कदों तो ते किस तरह होया? ये पहला तो मैं इन्हां दे लैक्चर ही सुने सीगे जिदा उस डीवीडीआं राही, तो फिर फेसबुक से आ गया जमाना, मैं भी आई डी बनाई सी। अच्छा जी। तो भी पहला तो इसके उत्ते फिर मैं इन्हों एक बार अपने बारे दसिया भी इतना करके, मैं उस तो बाद मैं भाजी मिलन भी आए कई बार, इन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, तो कहें वीर तू इदा ना सोची भी तेरिया बाहवा नहीं है, असं तेरिया बाहवा हाँ, तो काफ़ी हौसला भी दिता, तो उस तो बाद मेल जोल चाली साडा है। इतने मैं अपने स्रोतों ने गल करनी चाहवागा, जिथे साड़ी कौम के प्रचारकों का एक वड्डा योगदान ते रोल है कौम नू चढ़दी कला विच लैके जाण वास्ते, प्रचार अते प्रसार दे विच अपना वडमुला योगदान पाउणा, उत्थे ही नाल नाल सानू अज इस चीज़ की भी लोड़ है कि मनप्रीत वर्गे वीर जी होर भी कई होणगे जिन्हां नाल असीं तालमेल रख के उन्हां नू उन्हां दा जीवन उच्चा चुचण चुकण अते चढ़ती कला में लियाने वास्ते जिहड़े भी जतन या उपराले किए जाण असीं निजी तौर पर जरूर करिए। सो मैं इत्थे अपने वड्डे वीर डॉक्टर सुखप्रीत सिंह वीर जी नू वधाई देवांगा संस्था इतिहास वल्लों, भावें तां कि उह साडे एक मुख सेवादार ने इतिहास संस्था दे, पर यह गल जिहड़ी मनप्रीत वीर जी ने अज दसी, शायद वीर जी हुणां नाल इन्ने साल रह के भी वीर जी ने कदी साडे नाल शेयर नहीं की, पर यह जिहड़ा एक सेवा का काम वीर जी हुणी इकल्ले ही माण रहे सी कर रहे सी, यह अज उजागर हो गया। तो मनप्रीत वीर जी, मैं तुहानू गां पुछना चाहांगा कि अज इस संस्था दे विच आ के इस संस्था वालों इतिहास संस्था वालों जो तुहाडा मान सम्मान संस्था ने मिलजुल के किया, संस्था के मैंबर ने वीर ने उस दे विच जो भी तिल फुल ये तुहाडी भेट कर सके ने, उस नू प्राप्त करके तुहानू किस तरह का महसूस हो रहा है? नहीं, मैनू बहुत वधिया महसूस हो रहा, जो भी संस्था ने मेरा सम्मान किया है, तो उही वाहेगुरु वाली बल हो रहा भी जिदा नमाण्या साहब नमाण का माण नमाण सट वर्ग कोई पुछता नहीं, भीख मंगते फिरते हैं, तो वो ऐसे जो गुरसिख वीर अपने सुखप्रीत भाजी उन्होंने संस्था तुम वो काम यही कर सकते हैं, होर नहीं कोई कर सकता। हाँ जी, बहुत धन्यवाद वीर जी। वीर जी अखीर तो मैं तुहानू बेनती करांगा कि तुसी अपने वालों पहला तो उन्हां भैन भरावां नू जिहड़े शरीर जिन्हां दे तंदुरुस्त ने पर किसी ना किसी बहानेबाजी करके वो अपने जीवन मनोरथ नू पूरा प्राप्त नहीं करते, तो दूसरे पहलू चे वो भैन भरा जिहड़े थोड़े जे फिजिकल तौर पर अबनॉर्मल ने, तो उन्हां वास्ते तुसी की मैसेज देना चाहोगे साडे इस माध्यम राही इस प्लेटफॉर्म राही? हुण मेरी तो मैडिकल डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट लिखा से नील जीरो, मैंने ये लिखे हुआ, तो मैं देखता बहुत किसी का एक हाथ पैर या दो हाथ पैर या कुछ भी नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत हैगा वो भीख मंगते, मैं बहुत फीलिंग होंगी है, बहुत मैं महसूस होंगे कि चलो तुम जिते भी हैगा जिंदगी जिंदा दिली ना जियो, अपना आत्म विश्वास ना गवाओ, ये काम जाने कि बहुत माड़ा है, काम करो जिदा मर्जी करो, आप ही परमात्मा थोड़े अंग संग है। सो वीर जी का कहना है कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इतने ही वीर जी हुणां दे नाल असीं अपनी इस मुलाकात की समाप्ति करते हैं। सो जो वीर जी हुणां ने साडे स्रोतियां नाल अपना मैसेज सांझा किया वो यही है, किरत करो नाम जपो ते वंड छको। सो मनप्रीत वीर जी तुहाडा संस्था इतिहास दे स्टूडियो आया, बहुत बहुत धन्यवाद, असीं धन्यवादी हाँ आप जी दे। सो सारे स्रोतियां तो असीं हुण आग्या मंगदे हाँ, सो आओ फतेह की सांझ करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।